हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूँ आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस या जनरल साइंस से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन, जो कि लगभग कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। और यही वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो पिछले 2 सालों में कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों पर चर्चा करने से पहले यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि मैं डेली आपको ऐसे वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ जिनमें साइंस, जीके, करंट जीके, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, इसलिए आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? ऑप्शन दे के सल्फर, मैग्नीशियम, हीरा और चांदी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह अपन कहते हैं हीरे के जलने से निकलती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स बीमारी फैलती है बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरस से, या इनमें से कोई नहीं? तो एड्स जो बीमारी है वह फैलती है वायरस के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। और वायरस भी कौन सा होता है फ्रेंड्स? इसमें HIV। नेक्स्ट, सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, NaOH, KCl या CaCl2? तो यह होता है फ्रेंड्स NaCl, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ रात्रि में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन बरगद का पेड़ ऐसा होता है जो अपन कहते हैं दिन व रात्रि दोनों समय अपने क्या देता है, ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है समताप मंडल द्वारा, वायुमंडल द्वारा, शोभ मंडल या ओजोन परत द्वारा? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य किया जाता है ओजोन परत द्वारा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका रासायनिक नाम माना गया है फ्रेंड सोडियम बाई कार्बोनेट। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो मिश्र धातु मानी जाती है वह कॉपर और जिंक की, यानी कि जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग किससे संबंधित है? थायराइड, इंसुलिन, विटामिन और प्रोटीन से? तो यह संबंधित होता है इंसुलिन से संबंधित है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है उसकी टहनियों को गिनकर, मोटाई को मापकर, वलयों को गिनकर या लंबाई मापकर? तो पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए उनकी वलयों को गिना जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है इसका क्या कारण है? तो इसका फ्रेंड्स अगर कारण देखे तो होता है प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर संबंधित होता है हृदय, मस्तिष्क, जिगर या पलिया से? तो यह संबंधित माना गया है फ्रेंड्स हृदय से। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? मोम का पिघलना, दूध से दही बनना, वाष्प से पानी बनना या चीनी का गलना? तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन माना गया है फ्रेंड्स दूध से दही का बनना। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से कौन सा विटामिन मिलता है? ए, के, डी और बी? तो धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह होता है विटामिन डी प्राप्त होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो शुष्क बैटरी सेल में ध्यान रखिए फ्रेंड्स हमेशा रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन, मिथेन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इससे प्राप्त होती है मिथेन गैस। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? तो
काली वस्तु, सफेद वस्तु, नीली वस्तु या पीली वस्तु। तो इनमें सबसे अच्छा जो अवशोषक होता है वो होती है काली वस्तु। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ, कोरंडम, हीरा, प्लेटिनम, कांस। तो ये होता है हीरा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, लेक्टोमीटर, मेनोकीटर और बेरोमीटर। तो वायु दाब को मापने के लिए जो काम में लिया जाता है वह होता है बेरोमीटर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बल्ब फूटने पर तेज आवाज आती है, इसका कारण इसके अंदर शून्य होता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? CO2, O2, N2 या CO। तो इनमें आवश्यकता होती है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी जे जे थॉमसन, आइजक न्यूटन, विलियम हार्वे या चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो यह कार्य किया गया था फ्रेंड आइजक न्यूटन के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इसमें एंटीबॉडी होती है, इसमें लोहा पाया जाता है या कैल्शियम पाया जाता है। तो इसका मुख्य कारण है इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो प्रतिरक्षा कार्य करते हैं, सुरक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? ग्लूकोज, हिपेरिन, कोलेस्ट्रॉल या हीमोग्लोबिन। पर मानते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ती है। नेक्स्ट, दूध उदाहरण है विलियन, कोलाइडी, विलियन या इमल्सन का। तो दूध उदाहरण माना जाता है इमल्सन का। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, साइट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, चूहों को मारने की दवा कौन सी है? सोडियम क्लोराइड, जिंक फॉस्फेट, जिंक कार्बोनेट। तो चूहों को मारने के लिए काम में ली जाती है जिंक फॉस्फेट। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मानव शरीर प्रतिरक्षित है चेचक से, मधुमेह, तपेदी या पीलिया से। तो मानव शरीर जो प्रतिरक्षित होता है वो होता है चेचक से। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, हवा, पानी, इस्पात, शून्य। तो ये चलती है इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? सोना, लोहा, पारा और जिंक। तो इनमें से अगर अपन बात कर रहे हैं फ्रेंड तो सोना को नोबल धातु कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम, सल्फर और लेड। तो इसमें मिलाया जाता है फ्रेंड सल्फर को। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार पहले बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है वह हमेशा बढ़ता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम, हार्मोन, विटामिन और खनिज। तो पेप्सिन क्या है फ्रेंड्स? पेप्सिन माना गया है कि एंजाइम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये थे अपने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।